हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पे। आज हम बना रहे घुघुता। तो घुघुते और खजूर बनाया जा रहा है। हमारे उत्तराखंड का एक फेमस त्यौहार है घुघुतिया। क्या है? गुड़ को घोल के इसमें लाया जाता है, फिर इसी से गूदा जाता है आटा। अब इन्हें गूदना शुरू कर दिया है। यहाँ पर चाखा जा रहा है कितना मीठा होता है। अच्छा हो रहा है। तो आ गया घी का डब्बा। तो ये गया घी। तो काफी मेहनत लगती है इसे गूदने में। पहले से मैं गूदता था। तो गूदता था क्या भैया पहले? कलाकारी वाले हाथ दिखा रहे अपने। तो आज भाभी बना रही है हमारे वहाँ पहली बार। भाभी की पहली घुघुती। कैसा लग रहा है भाभी? दादू जो सोच रहे होंगे कि घुघुती क्या होता है। घुघुती होता है मतलब माँ के महीने में एक पैर बनता है। घुघुती त्योहार त्योहार इसलिए बनाते हैं क्योंकि पहले जमाने में ना खाना कम होता था। जो नए नए होते हैं बहू उनके लिए मतलब सास ससुर तभी देते थे फिर खाना पीना, इसलिए त्यौहार बनाया जाता है उनका। मतलब त्यौहार में हमारी लड़की आएगी पेट भर खाएगी, इसलिए त्यौहार मनाया जाता है। हाँ, तो देशों में से मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस दिन क्या बोलते हैं हमारे वहाँ गले में घुघुतों की माला बना के लास्ट में कौवे को खिलाना पड़ता है। एक और मतलब कुक आने वाली, मतलब कुक क्या जो बहुत स्पेशलिस्ट है इस चीज की, वो आने वाली है। मम्मी की जो फ्रेंड है आपने देखा होगा कल के ब्लॉग में से पहले वाले। ये हमारी आंटी जी, ये है मास्टर माइंड इस गेम की। आंटी आ गई है। आंटी तो देर क्यों लगा दी आपने? अरे भात खाने में। तो इसको ऐसे घुमाते हैं। हाँ, ऐसे घुमाते हैं इसको, ऐसे उड़ जाते हैं। पहला एक कौवे के लिए रखते हैं, पितरू के लिए रखते हैं खजूरे। और वो आंटी आपको अलग अलग तरीके के बनाना सिखाएगी। ये है हुड़का, आंटी का हुड़का है जो बजाते हैं पहाड़ों में, एक डमरू टाइप का होता है। ये आप पहाड़ी लोग हो तो समझ जाओगे। पहाड़ी में बुलाने ये हुड़का है, जागर लगुनी जेल। तो ये हुड़का है आंटी का। आंटी बजा के भी तो दिखा दे एक बार। लौंग का फूल बोलते हैं इससे। तो आंटी ने लौंग का फूल बना दिया। ये ऐसे इंग्लिश में क्या कहते हैं आंटी इसको? इंग्लिश में हमको तो हेलो भैया। हम तो पहाड़ लोग भैया। और एक कीड़ा होता है अंगुल काट, अभी बना के दिखाती हूँ तुम्हें। बड़ा दिखाई जा। तो आंटी ने कुछ बना दिया अजीब सा सांप जैसा। ये व्हाट इज दिस? रस्सी है ये, जोड़ा। क्यों ऐसे कीड़ा क्यों? अच्छा, घास वास लाने के लिए। ये पहाड़ी सब पहाड़ी तो ये सब पहाड़ी है। ये पहाड़ी सामान है पूरा पूरा। अनार हो गया, ये जोड़ हो गया, ये हुड़ू हो गया, ये पहाड़ी बजाना भी सिखा दिया। तलवार भी तो बनाओ आंटी, लड़ाई किससे करोगे? ये देखिए आंटी की तलवार। कौन सी तलवार है? ये तो बैट लग रहा है मुझे। तो ऐसी तो क्या थी तलवार? पहले जमाने के राजा महाराजा के जमाने की तलवार थी। पकड़े ऐसे घुमाते, पकड़ो पकड़ते कहाँ से? ऐसे घुमाते, ऐसे ऐसे लड़ाई। लगता है आंटी बचपन में बहुत लड़ाकू थी। मुझे जैसा बनाते हैं ये। तो आप कितने सालों से बना रहे हैं ये? गाइस को बता दीजिए। गाइस हम बूढ़े हो चुके हैं, बनाने में पड़े हैं इनको जब से 5 साल के हुए तब से बनाने में। ये ढाल है, ये वो दिखाओ 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 तलवार और ढाल तो पकड़ो एक बार साथ में। फाइटर ये पान है, ये तो तलवार। इन्हें सुखाते हैं क्योंकि तेल कम लगता है करके। तो अब क्या बन रहा है आंटी? ये खजूरे। घुघुते तो बन गए, अब खजूरे बन गए। अब आप बोलते हैं मंदिर में और पितरू को दिया जाता है गगरास में। और जो घुघुते नहीं खाते वो लोग खाते हैं इनको। ये हाँ। ये घुघुते आज जैसे बागेश्वर वाले हैं, पिथौरागढ़ वाले हैं, गंगोली हाट वाले, गंगपार और गंगवार बोला जाता है उनके, आज बनते हैं। और हम लोगों के कल बनते हैं, हम अल्मोड़ा वाले हैं। जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला होगा उनका कल बनेगा, कल बनेगा और परसों उड़ाएंगे। और हमारा आज बनेगा और हम कल कौवों को खिलाएंगे। गंगपार के हुए तुम्हारा आज बनेगा, कल उड़ाओगे।
और आपके कभी टाइम पास खाने ये टाइम पास होने वाले हैं गाइस। नहीं आता यहां गाइस, ये पुंकी बाजी ऐसी है, ये खाली गम मार देती है, हो गया और काम के नाम से कुछ भी नहीं करती है। समय पास कर खाली, इनको आता है मेरे को नहीं आता है, सही बात है। ये पुंकी बाजी है, कहती है ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। मैंने कर खाए बंदोबस्त, सामान वामान सब मैंने बना रखा, मसाले मैंने बना रखा, खाली बनाने वाली मैं। झूठ बोलेगा, बनाना तो मेरे को नहीं आता और मसाले सब मैंने बना रखे। तो ये गया पहला, क्या है ये पहले गया, ये जो भी गया पराठा जैसा पूरी कब देखा है। तो अब मम्मी तल रही है, आपकी पार्टनर कहाँ गई मम्मी? मेरे पार्टनर अभी घर गई है कपड़े उठाने। तो आंटी आ गई है उड़ते हुए बहुत दूर से, तलने के बाद कुछ ऐसे दिखते हैं, तलने के बाद लाल लाल हो जाते हैं। गूते अब हम खा रहे हैं, तो टेस्ट करके दिखाओ सबको अपने अपना। ये गर्मा गर्म तो और अच्छे होते हैं, अच्छे हो रहे हैं। तो आंटी माला बना रही है, दिखाओ आंटी कैसे बना रहे हो। ऐसे छेद के, तो उनमें जो इसमें डाल दें, इसमें नारंगी घूटे और डमरू तले नहीं है, भूल गए। अभी ये भी जाएगा इसके बीच में, इसको गले में पहन के घूमना पड़ता है कल, तो सबको पहन के छत में चिल्लाना पड़ता है, तभी आता कौवा खाने। जिसका कौवा ने खा लिया वो लकी। कौवा इसको नहीं खाते, जो रखे रहते हैं उसको खाते हैं भैया। तीनों के माले हैं, भाई भी और तेरा और बबी इसका भैया का। तो अपने गांव वाली स्टोरी तो सुना दो इनको। काले कौवा घूमती इतने जोर से चिल्लाते थे, धूप जब तक धूप नहीं आती थी ठंडे से, ऐसे करके वहां देखते थे उनके आगे हमारे काले कौवा घूमती मौवा खाले खाले हमारे वहां बहुत है। अच्छा 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 बोलते थे, मतलब आते थे फिर देर में आते थे, आ ही जाते थे। सोनू का घर ले ले जा तलवार, मुझे दे जा सोनू का हाथ। मैं तो ऐसे नहीं खाती थी, मैं तो खा ले कौवा घूमती मौवा खा ले। तो ये था पुराने लोगों की बातें, गांव में ऐसा होता था। अपने घर में घूघते बनाए और अपने परिवार के साथ खाए, आपको भी हैप्पी मकर संक्रांति। तब तक ले बाय। ऐसे पहनते हैं गले में, कैसा लग रहा आपको गले में पहन के? मेडल जैसा अच्छा लग रहा। तो ये दिखाने के लिए रुके थे हम कल से।